इस साल अक्टूबर नवंबर में यूएई और ओमान में होने वाले विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में बड़ा बदलाव करा गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चीफ सेलेक्टर बदल दिया गया है। अब ट्रेवर होन्स की जगह जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया टीम को चुनने वाली सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे। वो T20 विश्व कप और एशेज सीरीज के लिए टीम चुनेंगे। बेली ने ऑस्ट्रेलिया के तीनों फॉर्मेट में कुल 125 मैच खेले हैं। वे 2 साल पहले सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने थे और अब उनका चीफ सेलेक्टर के तौर पर प्रमोशन हुआ है। होन्स 21 साल तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्शन कमेटी में शामिल रहे। इस दौरान वे 16 साल तक चेयरमैन रहे। पहली बार 1991 से 2005 तक उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई और इसके बाद 2016 से अब तक वे इस पद पर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बनाए जाने पर बेली ने कहा कि वे ट्रेवर को उनके आत्मविश्वासनीय काम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया टीम लंबे वक्त तक सफल रही। मैं भी एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पे उनका सफर का हिस्सा रहा। इतना चुनौतीपूर्ण काम होने के बाद भी ट्रेवर हमेशा शांत और सुलभ रहे। उन्होंने मेरी एक खिलाड़ी से सेलेक्टर तक की यात्रा को भी आसान बनाया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार। रिटायरमेंट के बाद होन्स ने कहा था, खेल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मैंने अच्छे बुरे वक्त दोनों को फेस करा है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल टीम और दिग्गज खिलाड़ियों के साथ जुड़ा रहा। होन्स 1989 के एशेज सीरीज जिताने वाली टीम के हिस्सा भी बतौर चीफ सेलेक्टर उनके पहले कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया टीम ने लगातार 5 एशेज सीरीज जीती थी। इसके अलावा 1999 और 2003 के लगातार 2 विश्व कप जीतने में भी टीम सफल रही थी। उनका दूसरा कार्यकाल भी शानदार रहा। उन्होंने 2001 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया टीम इंग्लैंड में खेल के एशेज का खिताब बचाने में कामयाब रही। अब बेली के सामने नए चीफ सेलेक्टर के रूप में उनकी पहली परीक्षा T20 विश्व कप और एशेज सीरीज के लिए टीम चुनना होगा। बेली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट में मिला के 125 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3700 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक भी निकले। बेली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 57 मैचों में कप्तानी करते हुए 30 में जीत दिलाई। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को किन ऊंचाइयों तक ले जाता है, या ये फैसला उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है।